तुम्हें पता कि मैंने तुम्हें यहाँ पास क्यों बुलाया? अरे बॉस, आप टीवी चैनल के ओनर हैं, आप हमें कहीं भी बुला सकते हैं, कभी भी रुला सकते हैं। शाबाश। कौहर कैसे आए? इस बार तो दरवाजे से आऊं बॉस। क्या काम है? बॉस मैं आज ऐसी चीज लेके आऊं जिससे हमारे चैनल को बहुत फायदा होगा। तुमने इस्तीफा देने का फैसला कब किया? बॉस मैं इस्तीफा नहीं, आईडिया लेके आई हूं पीएसएल के लिए। मैं तारिक से ही कह रहा था कि ये सीजन पीएसएल का है, हम लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन बॉस मुझे तो क्रिकेट खेलनी आती नहीं है। वो तो हमारे काफ़ी खिलाड़ियों को भी नहीं आती, लेकिन हमने क्रिकेट खेले बगैर पैसे कमाने हैं। अगर सर अकाउंट्स वाले हमें जुए के लिए पैसे क्यों देंगे? मुझे पीएसएल के लिए प्रपोजल चाहिए सारे स्टाफ से, और स्पेशली लोहागढ़ अंदर के लिए, क्योंकि तुम सब जानते हो मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। और स्पेशली लोहागढ़ अंदर के लिए, क्योंकि तुम सब जानते हो मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। अरे वास, आप जरूर इलेक्शन के अंदर ना मौलाना फजल रहमान को वोट देते होंगे। टेंशन नॉट सर, मेरे पास एक आइडिया है। रिजेक्टेड ऑल। अरे बॉस, अगर हम ऐसा करें कि इस साल हम लाहौर के अंदर खेलने ना दें। ऐसा आइडिया जिससे चैनल को फायदा हो। बॉस आप यहाँ खड़े, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना क्रिकेटर्स का पैनल बुला के उनसे लाइव डिस्कशन कराते हैं। गुड आइडिया। किस किस का नाम है तुम्हारे जहन में? फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी। लेकिन ये सब तो पीएसएल में खेल रहे हैं। वैसे बस उनकी हरकतों से लगता तो नहीं कि खेल रहे हैं। अरे बस आप इनकी आनियों और जानियों नहीं समझते। मुझसे पूछें, मैं 99 में मैच देखने गया और फ्रीडी की बारी आई और वो चाय पी रहा था, कहते हिमशी भाई ये मेरा कप पकड़े, मैं यूं ही गया तो यूं आया। बॉस हम ऐसे इनामात का ऐलान करेंगे कि लोग पागल हो जाएंगे। खुशी से हम उन्हें 24वां फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने का मौका देंगे। रिटर्न या टिकट और 4 दिन 5 रातें होटल में स्टे। बॉस 24वां फीफा वर्ल्ड कप 2030 में नहीं है। इनाम के पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी फोन कॉल से बॉस, आप बस अप्रूवल दें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। बॉस आप मेरा आइडिया सुन तो लेते। इस कान में कहो, इसमें आवाज नहीं आती। बॉस आप पीएम से बात करके मुझे पीसीबी का चेयरमैन लगवा दे, उससे चैनल को बहुत फायदा होगा। तुमने अपना नाम बदल के चैनल रख लिया। अच्छा तो एक काम करते हैं, बैंक से 100 अरब लोन लेके बाकी 3 टीमों पर लगा देते हैं। अगर लाहौर के अंदर फाइनल जीती है तो पैसे तो सारे चले जाएंगे, लेकिन खुशी तो बहुत होगी। और अगर वो हार गए तो हम तो बहुत होगा, लेकिन मुनाफा भी तो होगा ना। गेट आउट। या फिर आई सेड। मजीद बिस्ती।